गुड आफ्टरनून गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टैग बाइट में। तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जो मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ, वो ये है कि मैं अब CCNA 200-201 के वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये कोर्स हमारा कंप्लीट कोर्स रहेगा इस चैनल के ऊपर, और ये आपको टू द स्क्रैच मिलेगा। ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एडवांस लेवल पे हम जाएंगे। साथ साथ हम लोग इसके अंदर नेटवर्क डिज़ाइन करना सीखेंगे, किस तरह से हम नेटवर्क को मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो आज का जो एजेंडा है वो ये है कि हम नेटवर्क के बारे में, कि व्हाट इज़ नेटवर्क, क्या होता है, ठीक है, व्हाई वी नीड नेटवर्किंग, हमें नेटवर्किंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ नेटवर्क, नेटवर्क होता क्या है। सो मैं यहाँ पे एक ये फाइल बना रहा हूँ, और ये आपको जो है फाइल मैं एक अभी कुछ आने वाले टाइम के ऊपर, मैंने विद इन अ वीक मैं एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको ये सारी डिटेल्स, सारी जो नोट्स हैं आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, और ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले नोट्स हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को नहीं बताया गया, मतलब सिंपल ईजी लैंग्वेज में आपको चीज़ों को समझाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क क्या है, इज़ एन नेटवर्क इज़ नथिंग, इट इज़ अ मोर देन टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर। मतलब जब हम नेटवर्क की बात करते हैं, तो नेटवर्क का मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर, कोई भी डिवाइस अगर आपकी आपस में कनेक्टेड है, चाहे आपका कंप्यूटर है ये स्विच के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, स्विच के साथ हमारे पास कुछ, आपको पता होगा कि कुछ हमारे IP फोन्स होते हैं, वो अगर कनेक्टेड हैं, तो ये ग्रुप ऑफ डिवाइसेज, जो हमारे ग्रुप ऑफ डिवाइसेज होते हैं, इसी को हम बोलते हैं नेटवर्क। तो नेटवर्क का मतलब क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ नेटवर्क, हमें नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती क्यों है, तो सिंपल सा आंसर है कि इट इज़ अ एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन। बेसिकली हम लोग इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए ही नेटवर्क का यूज़ करते हैं। इसका छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए मेरा एक ऑफिस दिल्ली में है। ठीक है, मेरा एक ऑफिस दिल्ली में है और एक ऑफिस मेरा मुंबई में है। ठीक है, अब यहाँ पे मुंबई में एक PC रखा हुआ है और दिल्ली में एक PC रखा हुआ है। ये PC, आप ये दोनों PC अगर आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मान के चलिए इस PC, दिल्ली वाले PC के अंदर एक फाइल है जो कि मुझे शेयर करना है, तो अगर मेरे पास नेटवर्किंग नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये फाइल मैं यहाँ से उसको ट्रांसफ़र कर सकूँ। तो सिंपल सा आंसर है कि अगर हमें नेटवर्किंग की हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है, क्योंकि टू एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन, कि यहाँ से डेटा यहाँ एक्सचेंज करना, यहाँ से डेटा यहाँ एक्सचेंज करना। तो नेटवर्किंग की ज़रूरत हमें बेसिकली पड़ती है टू एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। हमारे पास नेटवर्क के कितने टाइप्स होते हैं, देखो एक्चुअल में जो रियल टाइम में जो नेटवर्क्स होते हैं, दो ही नेटवर्क्स होते हैं, विच इज़ लैन एंड अनदर इज वैन। ठीक है, बाकी जो आप देखते हैं, आपने सुना होगा कैन होता है, एक हमारा मैन होता है, हमारा पैन होता है, तो ये सारे जो है हमारे, ये इस लैन के कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे लैन की, कि लैन क्या होता है। तो लैन क्या है, इट इज़ सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड विद द सेम लोकेशन इज़ नोन एज लैन। मतलब लैन की डेफिनेशन क्या है, कि एक ऐसे डिवाइसेस जो आपस में कनेक्टेड, यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ डिवाइसेज जो आपस में कनेक्टेड है, लेकिन क्या, एक ऑफिस या बिल्डिंग के अंदर। मान के चलिए मेरे पास एक बिल्डिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग के अंदर ये फ्लोर्स बने हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, यहाँ पे कुछ पीसीज रखे हुए हैं, यहाँ कुछ पीसीज रखे हुए हैं, और यहाँ कुछ पीसीज रखे हुए हैं। जब ये PC अगर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसको हम बोलते हैं लैन कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसी का एग्जाम्पल हम वैन का ले लेते हैं। मान के चलिए मेरा एक बिल्डिंग ये है, ठीक है, जो कि हमारा दिल्ली में है, और एक हमारा ऑफिस है जो कि मुंबई में है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे भी, हमारे पास कुछ फ्लोर्स बने हुए हैं, यहाँ पे भी कुछ पीसीज रखे हुए हैं। अब दिल्ली का PC अगर ये मुंबई के PC के साथ अगर कम्युनिकेशन करता है, तो इस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं वैन कम्युनिकेशन। मतलब जब दो डिफरेंट लोकेशन के सिस्टम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसको वैन बोलते हैं। ठीक है, तो जो अगला जो है वो है हमारा वैन है। तो अब यहाँ पर लैन की आप ये भी देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा डायग्राम भी आप लोगों के लिए दिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे कुछ पीसीज रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ पीसीज रखे, ये किसके साथ कनेक्टेड है, स्विच के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इसके साथ, स्विच के साथ हमारा एक प्रिंटर भी कनेक्टेड है। ठीक है, एक सर्वर भी कनेक्टेड है, और ये सर्वर जो कनेक्टेड है, एक राउटर
जो हमारा DSL राउटर होता है, और वो कनेक्टेड है हमारे इंटरनेट के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ, तो इस डायग्राम के अंदर मेरे पास ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को मैं कॉल करूँगा लैन, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं लैन की अगर सिंपल सी मैं एग्जांपल एक और देना चाहूँ, तो कि जहाँ पे हमारा इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं होता, जहाँ पे हमारा इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं होता, उसको हम लैन कम्युनिकेशन बोलते हैं, हमेशा माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो और अगर हम वैन की बात करें, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक बिल्डिंग के अंदर दो PC आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो क्या लैन में ही आएंगे? नहीं, इट कुड बी अ वैन, वो वैन भी हो सकता है। कैसे? मान के चलो इस PC से आपने एक फेसबुक आपने ओपन किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, इसने भी फेसबुक ओपन किया हुआ है, तो आप हैं तो एक ही बिल्डिंग के अंदर, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर होते हुए भी आप क्या यूज़ कर रहे हैं? एक FB एप्लीकेशन। और FB एप्लीकेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट तो आपका FB मैसेंजर चलेगा नहीं। तो इंटरनेट यानी FB मैसेंजर के थ्रू अगर आप आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, तो इसको हम वैन कम्युनिकेशन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि एक बिल्डिंग के अंदर है तो उसको लैन ही बोलेंगे, दिस इज द डेफिनेशन। लेकिन जहां पे आपका इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाता है, चाहे वो विद इन अ बिल्डिंग हो, चाहे डिफरेंट लोकेशन पर, डिफरेंट लोकेशन तो ऑब्वियसली इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, लेकिन अगर आप विद इन अ बिल्डिंग है और आप अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो भी वो आपका वैन कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ, तो ये जो पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, विच इज़ लैन, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी हमारा इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मान के चलिए ये राउटर है और इसके साथ इंटरनेट कनेक्ट, और इस इंटरनेट के साथ किसी PC के साथ अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन कहलाएगा, विच इज़ वैन, WAN है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी डेफिनेशन आपको दिखा भी देता हूँ, ये लिखा भी हुआ है, सेटअप डिवाइसेस कनेक्टेड इन टू और मोर लोकेशन, जब दो या दो से ज़्यादा लोकेशन के डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसको हम वैन बोलते हैं, ठीक है। अनदर है टू मोर लैन, लैन भी बोल सकते हो, क्योंकि लैन कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे जो इस एग्जाम्पल का मतलब है, ये जो एग्जाम्पल दिया है, टू और मोर लैन, सॉरी, टू और मोर लैन का मतलब है कि ये PC, ये एक बिल्डिंग है मुंबई का, दिल्ली वाला हमारा, ठीक है, एक ये मुंबई का है, ठीक है, ये फ्लोर्स बने हुए हैं, इस फ्लोर्स में कुछ कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, यहाँ भी कुछ कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, ये भी कुछ कंप्यूटर। अब बेसिकली ये जो दिल्ली का ये जो बिल्डिंग का जो पोर्शन है, ये एक लैन है, लैन वन, ये जो मुंबई का है, ये लैन टू, तो दो लैन के बीच में भी कम्युनिकेशन हो रहा है ना, लेकिन विद इन अ डिफ मतलब डिफरेंट लोकेशन के साथ, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा वैन कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। सो अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दिया हुआ है आप लोगों के लिए, कि ये यहाँ पर हैदराबाद का दिया हुआ है, ये बेंगलुरु का दिया हुआ है, ये दोनों आपस में वैन के थ्रू कनेक्ट है, ये बीच में हमारा इंटरनेट इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, ये बीच मान के चलो हमारा इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्टेड है, और ये दो डिफरेंट लोकेशन आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा वैन कम्युनिकेशन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये भी आपका एक तरह का लैन ही होता है, ठीक है, एक्सटेंडेड लैन जिसे हम बोलते हैं, सॉरी। तो मेट्रोपॉलिटन क्या है कि सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड इन अ सिटी, मतलब एक सिटी के अंदर अगर आपके लोकेशंस कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। देखिए अब ये जो हमारे सिटी है, मान के चलिए मेरा दिल्ली सिटी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल दिल्ली का लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो ये दिल्ली का दिल्ली में मान के चलिए ऑफिस लगा हुआ है, ठीक है, दिल्ली का ये है, पूरा पूरा सेटअप है, कंपनी XYZ कंपनी है, ठीक है, इसके अलग अलग लोकेशन है दिल्ली के अंदर, ठीक है, इसका एक सेंट्रल ऑफिस है जो कि कनॉट प्लेस में है, CP में है, एक लोकेशन इसका करोल बाग में है जो कि ब्रांच ऑफिस है, एक मायापुरी में है ब्रांच ऑफिस है, और एक फैक्ट्री है जो कि पीड़ा गली में है, ठीक है। तो ये जब ये सारा का सारा लोकेशन क्या है? दिल्ली सिटी है, और ये दिल्ली के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं, तो मतलब विद इन अ सिटी, एक सिटी के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस है, और ये अगर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं या कनेक्टेड हैं टुगेदर, तो इसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बेसिकली ये हमारा इसको इसको हम लैन भी बोल सकते हैं और वैन भी बोल सकते हैं। वैन कैसे बोल सकते हैं? अगर ये कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, तो ये हमारा वैन में आ जाएगा, और ये लैन अगर बोलते हैं, तो अगर इन पे किसी भी तरह का कोई इंटरनेट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, मतलब, तो फिर ये हमारा लैन कहलाएगा। तो
एक्चुअल में दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैन और मैन। मैन का एक छोटा सा एग्जाम्पल और हम भी एक और दे सकते हैं कि ये हमारा लैन से बड़ा होता है और वैन से छोटा होता है। ठीक है, लैन से बड़ा होता है और वैन से छोटा होता है, तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगला जो नेटवर्क है विच इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, पैन नेटवर्क बोलते हैं, ये हम लोग डे टू डे यूज अपने घर में भी करते हैं। ठीक है, पर्सनल एरिया का मतलब क्या है कि टू और मोर डिवाइसेस और कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, टू और मोर डिवाइसेस यानी दो या दो से ज़्यादा या उसके कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम विद इन अ 4 to 6 मीटर, जैसे हमारा वाईफाई हो गया, ठीक है, या ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई ब्लूटूथ। तो ये क्या है, अगर इस तरह की कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं एक रेंज के अंदर, तो इसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ लैपटॉप्स हैं, ठीक है, मेरे पास एक लैपटॉप है, ठीक है, ये एक लैपटॉप है, एक मोबाइल डिवाइसेस है, एक वायरलेस हेडफोन है, एक सेकेंड, ठीक है, और मेरे पास एक क्या है, कैमरा है। तो ये अगर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और इसका रेंज क्या है, 4 to 6 मीटर, यानी एक दरमियान, मतलब एक छोटे डिस्टेंस के अंदर, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। मान के चलिए मेरे पास एक मोबाइल में एक कुछ मूवी पड़ी है, ठीक है, और आपको वो मूवी चाहिए, तो हमारे पास एक एप्लीकेशन होता है शेयर इट, आपने देखा होगा, आपने यूज़ भी किया होगा। तो इस शेयर इट एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, ब्लूटूथ के थ्रू होता है। तो अगर उस रेंज के अंदर आप हैं, तो उस रेंज के अंदर हैं तो आपको डेटा मिल जाएगा, अगर आप रेंज से बाहर हो जाते हैं तो आपका डेटा डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो एक छोटे डिस्टेंस के अंदर, जो कि 4 से 6 मीटर के अंदर या 10 मीटर के अंदर आप कह सकते हैं, 4 to 6 या फिर 10 मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और एक एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं हम, मान के चलिए मैं अपने घर में हूँ, ठीक है, मेरे घर में एक वाईफाई राउटर लगा हुआ है, ठीक है, और उस वाईफाई राउटर के साथ मैं अपना लैपटॉप, मेरे भाई ने अपने मेरा मोबाइल, या फैमिली के किसी मेंबर ने एक और मोबाइल, देखिए ये इंटरनेट अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये कम्युनिकेशन हो जाएगा वैन। मान के चलो कि आपने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज किया, आपने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज किया, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा वैन कहलाएगा। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि मान के चलिए कि हमने है तो इस वाईफाई के साथ कनेक्टेड, ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, ये मेरा वाईफाई राउटर है, ठीक है, वाईफाई राउटर है, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, ये मेरा भाई का लैपटॉप है, ठीक है, ये मेरे किसी अदर फैमिली मेम्बर का मोबाइल है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस लैपटॉप के ऊपर मेरे पास कोई मूवी पड़ी है, ठीक है, इस मूवी को मैं इस फ़ोन के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो मेरे पास कोई अदर एप्लीकेशन होगा, शेयर इट होगा, या कोई ऐसी दूसरी कोई एप्लीकेशन होगी जिसके थ्रू मैं इस डेटा को शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर मेरा इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इंटरनेट अगर इन्वॉल्व हो जाता है, डिस्टेंस कितना भी छोटा हो, वो हमेशा वैन कहलाएगा, ये हमेशा सेट माइंड में रखना। लेकिन अगर वो हमारा विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो वो हमारा लैन भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, और पैन भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने व्हाट इज़ नेटवर्क देखा कि नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, नेटवर्क की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि हम डेटा को एक्सचेंज कर सकें। ठीक है, डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, शेयर करने के लिए ही हम लोग बेसिकली नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क कौन कौन से होते हैं, लैन देखा हमने, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है, और पैन क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे हम, कि नेटवर्क के कितने तरह के नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।